स्टूडेंट्स वेलकम इन योर ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, पिछली कक्षा में हमने मोती और पुसी चैप्टर हाफ रीड किया था। आज हम उस चैप्टर को पूरा रीड करेंगे। हमने जितना पिछली कक्षा में रीड किया था, हम उसे एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक पिल्ला होता है जिसका नाम होता है मोती। उसका घर एक बाग में होता है और वह खाना खा रहा होता है। जब मोती को लगता है कि बहुत सारा खाना है और मैं सो जाता हूँ, तो वह सो जाता है। उसके तुरंत बाद उसे एक आवाज़ सुनाई देती है म्याऊं म्याऊं की। तो मोती बोलता है, कौन है? तो सामने से एक चिड़िया आती है, तो मोती उससे पूछता है, क्या तुम बोली थी म्याऊं? तो चिड़िया बोलती है कि मैं तो ची 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 करके गाना गाती हूँ, मैं नहीं बोलती म्याऊं। तो मोती बोलता है, ये चूची चू कौन बोलता है? फिर ऐसे चूची कौन करता है? तो पूसी फिर ऐसे करके वह फिर से सो जाता है और पूसी फिर बोलती है म्याऊं म्याऊं। मोती बोलता है, अरे फिर कौन बोला म्याऊं? तो मोती पेड़ पर बैठे एक बंदर की ओर देखता है और फिर से पूछता है, तुम पेड़ पर बैठे बैठे म्याऊं क्यों कर रहे हो? उसके आगे का आज हम रीड करते हैं। रहे हो, मुझे सोने क्यों नहीं दे रहे हैं? मोती बंदर से पूछता है कि तुम म्याऊं म्याऊं क्यों कर रहे हो पेड़ पर बैठे और मुझे सोने क्यों नहीं दे रहे हो? तब बंदर नीचे कूदकर, मैं तो बोलूं खो खो खो, उछलूं कूदूं ऊपर नीचे, मैं ना बोलूं म्याऊं। मतलब बंदर क्या बोलता है, मैं तो बोलता हूँ खो 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 और उछल कूद करता हूँ ऊपर नीचे, लेकिन मैं म्याऊं नहीं बोलता। बंदर पेड़ पर वापस चला जाता है। मोती, अरे उछल कर भाग गया। मोती फिर सो जाता है। पूसी फिर बोलती है, म्याऊं म्याऊं। जब बंदर ऊपर चला जाता है और जैसे ही वह वापस सोता है, तब एक आवाज़ फिर से आती है, म्याऊं म्याऊं। मोती फिर उठकर बैठ जाता है। अब की बार मैं पूरा बाग घूमकर देखता हूँ। मोती क्या बोलता है कि अब की बार मैं पूरा बाग घूमूंगा, म्याऊं बोलने वाले को पकड़ कर ही रहूँगा। मोती को एक लड़का मिलता है। मोती, अच्छा तो तुम म्याऊं म्याऊं कर रहे हो, मेरी नींद ख़राब कर रहे हो? वह एक लड़के से ये बात पूछता है कि तुम म्याऊं म्याऊं बोलकर मेरी नींद ख़राब कर रहे हो। तब लड़का बोलता है, तुम कैसी बात कर रहे हो, मैं क्या म्याऊं म्याऊं करता हूँ? मैं कहता हूँ झट हट झटपट, मैं ना बोलूँ म्याऊं, सारे गमा पदा निसा करके गाना गाऊँ। लड़का चला जाता है। जब वह लड़के से पूछता तो लड़का उसे क्या जवाब देता है कि तुम ऐसी कैसी बात कर रहे हो, मैं तो म्याऊं नहीं बोलता, मैं तो जल्दी जल्दी बात करता हूँ, सारे गमा पद निसा करके गाना भी गाता हूँ। और ऐसे कह के लड़का चला जाता है। मोती सिर झुकाते हुए, अगर म्याऊं को पकड़ना है तो चालाकी करनी पड़ेगी। मोती आंखें बंद करके सोने का नाटक करता है। मोती मन में क्या सोचता है कि अगर म्याऊं को पकड़ना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, चालाकी करनी पड़ेगी। मोती आंखें बंद करके सोने का क्या करता है, नाटक करता है। और पूसी म्याऊं म्याऊं करती है। वह धीरे धीरे आगे आती है। मोती एक आंख से देखते हुए चुपचाप सोने का नाटक करता है। पूसी जैसे ही मोती का खाना खाने लगती है, जैसे ही वह मतलब मोती जैसे आंखें बंद करके सोने का नाटक करता है, तो पूसी क्या करती है, म्याऊं म्याऊं करती है और धीरे धीरे उसके पास आती है। और मोती क्या करता है, एक आंख से उसे चुपचाप देखता है और सोने का नाटक करता है। पूसी जैसे ही मोती का खाना खाने लगती है पूसी मोती का जैसे ही खाना खाने लगती है मोती झटकर उसे पकड़ लेता है। पूसी, म्याऊं म्याऊं मुझे छोड़ दो। और पूसी क्या बोलती है, म्याऊं म्याऊं मुझे छोड़ दो। मोती, तुम बार बार म्याऊं म्याऊं कर रही हो, मुझे सोने क्यों नहीं दे रही हो? पूसी को छोड़ते हुए, भूख लगी है तो मेरा खाना खा लो, मुझे तो खाना नहीं। मोती क्या बोलता है कि तुम बार बार म्याऊं कर रही हो और मुझे सोने भी नहीं दे रही हो, अगर तुम्हें भूख लगे तो तुम मेरा खाना खा लो, वैसे भी मुझे भूख नहीं है। पूसी क्या बोलती है, धन्यवाद। वह झट सारा खाना खा लेती है। मोती, चलो अब हम दोनों खेलते हैं। और मोती क्या बोलता है पूसी को कि आ जाओ अब हम खेलते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच।